राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी के नेता सचिन पायलट पर जमकर निशाना साधा है। एक होटल समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि जब सरकार संकट में थी और हम लोग करीब 34 दिन तक होटल में रुके रहे, सभी एमएलए होटल में मेरा इंतजार करते थे कि सरकार बचेगी या नहीं, लेकिन विधायकों को मेरी बॉडी लैंग्वेज देखकर लगा अब सरकार बच जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिविल सर्विस डे पर कल्चरल इवेंट में कहा है कि मेरे साथ होटल में रुककर विधायकों को कुछ नहीं मिलने वाला था, लेकिन जैसे ही बाहर जाते उन्होंने 10 करोड़ रुपए का खुला ऑफर हर एक विधायक को दे रखा था। मुझे अपने विधायकों पर गर्व है कि 34 दिनों तक उन्होंने लालच को छोड़कर वहां मेरे साथ बैठे रहे। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या माहौल रहा होगा। वह एक बड़ा क्राइसिस मैनेजमेंट था, दुआओं से बच गए, वरना मेरी जगह कोई और खड़ा होता तो कुछ और ही हो जाता। मैं लिखा कर लाया हूँ, इसलिए तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गया हूँ। अन्य नेता कहते रहते हैं कि उनकी जाति के 35 विधायक हैं, या कोई कहता है कि उनकी जाति के 45 विधायक हैं। राजस्थान में तो सिर्फ अपनी जाति से मैं ही अकेला विधायक हूँ और अपनी दुकानदारी ऐसे ही चलती है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को दिल्ली में पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। ये मुलाकात चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की ओर से लोकसभा चुनाव 2022 को लेकर दी गई विस्तृत प्रस्तुति पर थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई बड़े कांग्रेसी नेता भी शामिल हुए थे। इस बैठक में सीएम गहलोत ने कहा कि प्रशांत किशोर एक ब्रांड बन गए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ थे, जिसके बाद वह नीतीश कुमार के साथ गए और फिर 2017 में पंजाब कांग्रेस के साथ रहे। वे एक पेशेवर चुनावी रणनीतिकार हैं, उनके जैसे और भी कई लोग हैं, हम उनसे भी संपर्क करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर एक बड़ा नाम बन गए हैं, इसीलिए मीडिया का भी फोकस उन पर बना रहता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माने तो गुरुवार को कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की। उन्हें जल्द ही इस संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बहरहाल एक बार फिर से राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तनातनी देखने को मिल सकती है। हालांकि रणनीतिकार प्रशांत किशोर के चलते हो सकता है इस तरह की तनातनी की नौबत राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के खेमे में ना आए। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।